इसमें सावित्री सिंह जी आई, हम उनसे पूछते हैं कि जो अभी 12 जनवरी को जो घटनाक्रम हुआ, जो चार्जिस जजों ने आके अपनी चुप्पी को बड़े मुश्किल से खोला, देश की आज़ादी के बाद में ये पहला मर्तबा ऐसा है, पहला वाक्य ऐसा है जो जजों ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में, आइए हम जानकारी लेते हैं। सिंह जी, आपको लगा कि जैसे 12 जनवरी को चार जजों ने आके कॉन्फ्रेंस की और चार जजों ने आके अपना मीडिया के सामने अपने दुखड़े रोए कि लोकतंत्र खतरे में, तो लोकतंत्र कैसे खतरे में है? हाँ, जो चार जजेस ने ये बोला था कि लोकतंत्र खतरे में है, वो उन्होंने बिल्कुल एकदम सही बोला था कि लोकतंत्र वाकई में ही खतरे में है। आज कुछ भी हो, अगर फैसला होता है, जजेस की आज ये कंडीशन है कि अगर उनको कोई फैसला देना होता है, या पॉलिटिशियन का देना होता है, या किसी राजनेता का देना होता है, या किसी बिजनेसमैन का देना होता है, और वो अगर गलत कर रहे हैं तो भी वो गलत उसके फेवर में नहीं दे सकते। उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, वो मोदी जी का दबाव बनाया जाता है, वो पार्टीज का दबाव बनाया जाता है, वो किसी भी एनीबडी किसी का भी दबाव होता है, बट वो दबाव बनाए जाते हैं, वो अपने फैसले से अपने उससे जिससे भी अपना होता है मेरिट पर, वो कभी फैसला दे ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है, लोकतंत्र कोई भी अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको दबा दी जाती है। तो ये उनका बिल्कुल कहना सही है कि वो आए, हम उनका सम्मान करते हैं, बट फैसला तो वो फिर भी नहीं दे पाए, वो फिर भी इसी बात को कह रहे हैं कि लोकतंत्र वाकई में ही खतरे में है। तो उनका यही मानना है कि अगर हमें काम करना है, हम इतनी बड़ी सीट पर बैठे हैं, एक कलम की पावर है हमारे पास, जो जो कलम की पावर है, जो हम लिखते हैं वो ठीक है, हम मेरिट पर लिखते हैं, लेकिन आज क्या है, आज हम मेरिट पर नहीं लिख पा रहे हैं, आज हम आपके कहने से या उनके कहने से अगर हम अपना फैसला दे ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। हमारा जो संविधान है वो एक लोकतंत्र संविधान है, संविधान के अकॉर्डिंग जो हमें फैसला देना चाहिए, जो हमें गलत लगेगा गलत, जो हमें सही लगेगा सही, बट आज ऐसा नहीं है, आज बिल्कुल ही उल्टा है। अगर ये है कि पार्टीज़ का कोई है, आज बीजेपी की पार्टी है, सब जगह बीजेपी का ही आ रहा है, लेकिन बीजेपी का अगर कोई आदमी, कोई नेता गलत कुछ काम कर रहा है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, आवाज़ उठाएंगे तो हमें दबा दिया जाएगा। इसीलिए हमारा कहना मानना बिल्कुल सही है कि वो लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है, हर बच्चा हर इंसान आज खतरे में है, तो ठीक है। लेकिन मैडम, आपका मानना है कि जो भी आज फैसले लिए जा रहे हैं वो सरकार के दबाव में लिए जा रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि सरकार के दबाव में फैसले लिए जा रहे हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल सही है कि सरकार के दबाव में ही फैसले लिए जा रहे हैं। कोई भी अपना फैसला हम दे ही नहीं सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। जजेस आज बहुत ही हैंडीकैप्ड हो चुके हैं। जजेस कर्नल ने भी यही भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, और आरोप लगाने के बाद में उन पे एक मानहानि का केस लगाया गया, उन्हें 6 महीने के लिए सजा के लिए प्रावधान था और 6 महीने जेल काट के आए। क्या इस प्रकार से जो ये चार जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या उन पे भी यही लागू होगा, या जो कर्नल पे लागू हो गया इन पे नहीं लागू होगा? नहीं, कर्नल पे जो लागू हुआ ठीक है, उन्होंने 6 महीने की जो सजा काटी वो इसके इसलिए नहीं काटी है कि उन्होंने कुछ करप्शन किया था या पार्टी के दबाव में आ गए थे, वो ठीक है, उन्होंने जो किया था उस चीज़ की उन्होंने सजा काटी, ठीक है। लेकिन आज जो भी बड़े फैसले जो आते हैं, जो हाईलाइट फैसले हो जाते हैं, जिस तरह से पॉलिटिशियंस के जो होते हैं, जातिवाद के जो फैसले होते हैं, मेन मुद्दा क्या है कि अगर आप कोई एससी से बिलोंग करते हैं, आप जातिवाद वहाँ पर सबसे पहले ले लिया जाता है। अगर आप अपने खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे हैं, उसका सबसे पहले उसका चिन्ह क्या होता है कि किस जाति से बिलोंग करते हैं आप। अगर आप ऐसे समाज से हैं तो ठीक है, आपको दबा दिया जाएगा। अब आप किसी भी पोजीशन पे हैं, अगर आप ऐसे हैं, आप क्यों ना आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लेकिन अगर आप एससी बिलोंग करते हैं तो आपको दबा दिया जाएगा। मेरा मानना यही है कि ये लोकतंत्र का सरेआम हत्या है। मैडम, आप जो एक वकालत कर रहे हैं, आप दिल्ली के अंदर या दिल्ली से बाहर की बात करें, महिलाओं को एक बार कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, आज बेटियां कितनी स्वतंत्र हैं? बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है, और बिल्कुल ही ये नारा बिल्कुल गलत है, मैं इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। बेटियाँ बचाओ बेटियाँ पढ़ाओ, जहाँ जहाँ ये नारा ज़्यादा दिया जाता है, जहाँ जहाँ गाँव में इवन शहरों में जहाँ भी ये दिया जाता है, वहीं पर सबसे पहले बेटियाँ की हत्या की जाती है, बेटियों को। आज ये हालात ये है, आज के टाइम में भी आप ठीक है, हमने जो भी अपना लिया फैसला संविधान के अकॉर्डिंग हमें पढ़ने का लिया गया, हमें दिया गया, लेकिन हमें कितना पढ़ाया लिखाया जाता है, क्या हमें फैसिलिटी दी जा रही है? कोई फैसिलिटी नहीं जा रही, लड़कियों को इवन निकले नहीं दिया जाता। गाँव में जो आज लड़कियां हैं वहां पर सिर्फ 5वीं 6वीं, अगर आपके गांव के पास कोई स्कूल है तो आपको वहां तक भेज दिया जाएगा, उसके आगे आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो कहां बेटियां बचाओ बेटियां नारे का, ये बिल्कुल नारा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सार्थक गलत है।
आप लड़कियों के लिए, आप पढ़ी लिखी हैं और पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर लड़कियों को आगे बढ़ना है तो उनको अपने दम पर आगे बढ़ना होगा। उनको बाबा साहब के जितने भी उनका संविधान जो उन्होंने लिखा था, उस संविधान में जो उनको अधिकार दिए गए हैं, वो उनको मांगने नहीं हैं, वो उनको छीनने पड़ेंगे, तो ही वो लड़कियाँ आगे बढ़ सकती हैं, नहीं तो वहीं पर ही दम घोट के मर जाएंगे। आप थी सावित्री सिंह जी जो कड़कड़डुमा के अंदर प्रैक्टिस कर रही हैं। इनका मानना है कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उन्हें अधिक से अधिक शिक्षा लेनी होगी बाबा साहब के संविधान के तहत। जो बाबा साहब ने संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार दिए हैं, उन अधिकार को पाना होगा। पाने के लिए क्या है कि आपको छीनने भी पड़ेंगे और मांगने भी पड़ेंगे। इन सबको जागरूक होना पड़ेगा और बाबा साहब के संविधान को पढ़ना होगा और एजुकेशन लेनी होगी। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल।